नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस मैच में टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। हालांकि इस मैच में शार्दुल ठाकुर का भी प्रदर्शन काफी लाजवाब रहा था। उन्होंने दोनों पारियों में शानदार 50 जड़ने के साथ ही दोनों पारियों में विकेट्स भी चटकाए थे। अब इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान माइकल वॉन ने शार्दुल ठाकुर की जगह रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुने जाने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। न सिर्फ माइकल वॉन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है बल्कि उन्होंने सवाल भी खड़ा किया। वॉन के मुताबिक मैच में शार्दुल ठाकुर का इम्पैक्ट ज्यादा था, लिहाजा उन्हें मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए। शार्दुल ठाकुर की अगर बात करें तो उन्होंने ओवल टेस्ट मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया। पहली पारी में उन्होंने सिर्फ 36 गेंद पर 57 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने इंग्लैंड में सबसे तेज टेस्ट अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया। उनकी पारी की बदौलत ही भारतीय टीम 191 के स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। वहीं दूसरी पारी में उन्होंने 60 रनों की बेहतरीन पारी खेली। इसके अलावा उन्होंने 3 अहम विकेट्स भी चटकाए। वहीं हिटमैन रोहित शर्मा की बात करें तो उन्होंने मैच में शानदार शतक जड़ टीम इंडिया को दूसरी पारी में शानदार बढ़त हासिल करने में अपना अहम योगदान दिया। हालांकि माइकल वॉन का मानना है कि रोहित शर्मा की बजाय शार्दुल ठाकुर को प्लेयर ऑफ द मैच मिलना चाहिए था। क्रिकबस पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, शार्दुल ठाकुर को मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था, इसमें कोई शक ही नहीं। रोहित शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया लेकिन शार्दुल ठाकुर ने 4 बार गेम पर प्रभाव डाला, 2 बार गेंद के साथ और 2 बार बल्ले के साथ। उन्होंने पहली पारी में ओली पोप का अहम विकेट लिया तो दूसरी पारी में रोरी बर्न्स और जो रूट के विकेट चटकाए। पहली पारी में उन्होंने गेम का रुख ही बदल दिया था। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।